यह जीवन हमें एक उपहार के रूप में मिला है। यदि प्राकृतिक द्वारा मिले इस उपहार का हमने सही उपयोग नहीं किया तो अंत में इस उपहार को किसी कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। लेकिन यदि हम चाहें तो मिले हुए इस उपहार को इतना सुंदर और उपयोगी भी बना सकते हैं कि बाद में लोग इसे अपने दिल और दिमाग में सजा कर रखें। लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोग हमें आज भी अपने दिल और दिमाग में रखें और भविष्य में हमारे ना होने पर भी ऐसा ही करें। दोस्तों, ऐसा संभव हो सकता है। अब तक हजारों ऐसे सफल लोग हुए हैं जिन्होंने ऐसा कर दिखाया है। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, हम सभी ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर ने दुनिया के सभी लोगों को यह अपॉर्चुनिटी दी है। इसके लिए आपको ऐसा सफल इंसान बनना होगा जो इस दुनिया में रहते हुए एक ऐसा उपहार तैयार कर ले जिसकी लोगों को जरूरत है। आज भी सफल लोग दुनिया को कुछ न कुछ दे रहे हैं। इलन मास्क ने दुनिया को इलेक्ट्रिक कार दी है। बिल गेट्स ने दुनिया को माइक्रोसॉफ्ट उपहार में दिया। इन लोगों ने दुनिया को कुछ उपहार दिया, इसलिए आज यह सभी सक्सेसफुल पर्सन माने जाते हैं। हमें भी यदि सफल होना है तो कुछ ऐसा ही करना होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि सफल इंसान सफल तभी बने हैं जब इन्होंने कुछ ऐसी डेली हैबिट्स को अपनाया है जो सफल होने के लिए जरूरी है। सबसे पहले हमें कुछ ऐसे दैनिक आदतें अपनानी होगी जो हमारी लाइफ को इतना इम्प्रूव कर दे ताकि हम सफल हो सके। हमें खुद को बेहतर बनाने की उन डेली आदतों के बारे में जानना होगा जो आसान है और सफलता पाने में सहायक है। दोस्तों, आज मैं आपको डेली हैबिट्स टू इम्प्रूव योर लाइफ के बारे में बताऊंगा जिन्हें यदि आप अपनाते हैं तो सफल जरूर होंगे। यह डेली हैबिट्स फॉर सक्सेस मैंने कई किताबों को पढ़कर इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाया है। कृपया इन सभी जीवन को बेहतर बनाने वाली आदतों को ध्यान से देखिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन्हें जरूर अपनाएंगे। नंबर वन, रोज कुछ नया सीखना। आज से ही हम सभी को इस डेली हैबिट को अपना लेना चाहिए। वैसे तो हम रोज कुछ नया सीखते हैं, लेकिन रोज वह सीखना सबसे जरूरी है जिसका सीधा संबंध हमारे लक्ष्य से है, जिसे प्राप्त करके हमें सफलता मिलेगी। आप अपनी डेली टू डू लिस्ट में ऐसी स्किल्स को सीखने के बारे में रोज लिखें जो सफल होने और खुद को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करे। यदि आप इस आदत को अपनाते हैं तो एक या दो साल में ही आप दुनिया के उन 5% लोगों जैसे बन जाएंगे जो निकट भविष्य में सफल व्यक्ति बनने वाले हैं। नंबर टू, रोज टू डू लिस्ट बनाएं। रोज टू डू लिस्ट बनाना एक ऐसी आदत है जिसे लगभग सभी लोग अपनाते हैं। डेली टू डू लिस्ट आपके पूरे दिन को मैनेज करती है। अपनी टू डू लिस्ट में आपको वह कार्य पहले लिखनी चाहिए जो सबसे पहले जरूरी हो। इसके बाद आप उन टास्क को लिखिए जो कम जरूरी हो। इसके बाद आप ऐसे कार्यों को टू डू लिस्ट में जगह दे सकते हैं जो जरूरी नहीं है, लेकिन यदि टाइम मिला तो कर लिए जाएंगे। कुछ लोग सबसे कठिन कार्य सबसे पहले करने के लिए लिखते हैं, फिर बाद में सरल कार्य लिखते हैं। आप जो भी डेली टू डू लिस्ट टेक्निक्स अपनाएं, लेकिन इसका उद्देश्य आपके जीवन को इम्प्रूव करना होना चाहिए। नंबर थ्री, रोज अच्छी किताबें पढ़ें। बुक्स पढ़ना खुद को बेहतर बनाने की सबसे अच्छी आदतों में से एक है। प्रत्येक सफल इंसान इस डेली हैबिट को अपनाता है। आइए जानते हैं कि यह आदत बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। प्रत्येक सफल इंसान के सफलता तक पहुंचने में बहुत सी समस्याएं आती हैं, जिन्हें वह सॉल्व करता है। उसके जीवन के वह अनुभव और सूत्र जो केवल उसी को पता है जो सफल हुआ है। जब कोई सफल इंसान किताब को लिखता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ उसमें लिखता है। नंबर फोर, अपने समय को रोज मैनेज करें। दुनिया में सभी को एक दिन के 24 घंटे दिए गए हैं। सफल वही होता है जो अपने समय को सही तरीके से मैनेज कर पाता है। समय को मैनेज करने के लिए आपको डेली हैबिट्स डालनी चाहिए। यदि आप अपने डेली टाइम को सही से मैनेज करते हैं तो आप समय का सही उपयोग कर पाएंगे, साथ ही आप कम से कम अधिक कार्य कर सकते हैं। समय के साथ आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। समय एक ऐसे धन की तरह है जिसे हम जितना अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे वह उतना ही अच्छा रिटर्न आपको देगा। नंबर फाइव, रोज सुबह पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से
हम पूरे दिन मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहते हैं। यह हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में एक अच्छे दिन और अच्छे भविष्य का बीज लगा देते हैं। दुनिया के अधिकतर सफल लोग पॉजिटिव सेल्फ टॉक का प्रयोग सुबह के समय करते हैं। जिस तरह एक अच्छा ब्रेकफास्ट हमारे शरीर को पूरे दिन अच्छे से वर्क करने के लिए जरूरी है, उस तरह पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए जरूरी होते हैं। नंबर 6, रोज अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने अवचेतन मन को यह संकेत देते हैं कि जो लक्ष्य हमने सोचा है वह पूरा हो चुका है। यदि हमारे अवचेतन मन तक यह संदेश पहुंच जाता है तो वह उस लक्ष्य को भौतिक संसार में लाने का तरीका या कार्य बता देता है। यह सफल होने का एक अच्छा प्रोसेस है, इसमें आपको एक्शन भी लेने हैं। यह हमारा अवचेतन मन बताता है। ऐसा सब अपने लक्ष्यों को विजुलाइज करने से होता है। इस आदत से आप खुद के जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। नंबर 7, प्रकृति को धन्यवाद देने की आदत डालें। प्रकृति ने या ऐसी कोई भी शक्ति जिसे आप मानते हैं, उसने आपको बहुत सी ऐसी चीजें या योग्यताएं दी है जिसके लिए आपको उस शक्ति का या प्रकृति का आभार अर्थात धन्यवाद देना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का प्रयोग आपको रोज करना चाहिए। जब भी आप प्रकृति को धन्यवाद देते हैं तो आपके मन से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो प्रकृति में जाकर आपकी और उन सभी चीजों को आकर्षित करती है जिन्हें आप पाना चाहते हैं। सफल लोग ग्रेटिट्यूड की तकनीक को बहुत प्रयोग करते हैं। यदि सफल होना है तो आप भी कर सकते हैं। नंबर 8, अपने कल को आज से बेहतर बनाने के तरीके सोचें। हर रोज यह सोचने की आदत डालें कि मैं अपने आने वाले कल को आज से अच्छा कैसे बना सकता हूँ। यदि आप रोज कुछ ऐसे सोचते हैं तो आपके मन में वह तरीके आने लगेंगे जिनको अपनाकर आप अपने आने वाले कल को आज से भी ज्यादा बेहतर और खुशनुमा बना सकते हैं। जो भी नई बातें आपके मन में आए उन्हें लिखें और अगले दिन उन्हें फॉलो करें। जब आपके दिन बेहतर होते जाएंगे तो आपका एक दिन सफलता के साथ मिलन जरूर होगा। नंबर 9 एंड लास्ट, हमेशा वर्तमान पर फोकस करें। सफल लोगों की यह एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से वो बहुत अधिक प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इस आदत में आपको ना ही अपने पास्ट के बारे में सोचना होता है और ना ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होता है। आप तो बस अपने प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। आप उस कार्य पर फोकस करते हैं जो आप कर रहे होते हैं। ऐसा करने से आप कम समय में अधिक कार्य कर पाते हैं और साथ ही आप बेवजह की चिंता और अवसाद से भी बचे रहते हैं। इस आदत से आप फोकस्ड हो जाते हैं और खुद को हर रोज बेहतर बनाते रहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप सबके लिए इस तरह के वीडियो हमेशा लाता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।